दोस्तों, अगर आप भी बाईपास सर्जरी की तरफ जा रहे हैं या आपने भी सोच लिया है कि हार्ट ब्लॉकेज होने के बाद, आर्टरीज ब्लॉकेज होने के बाद आप स्टंट डलवाएंगे, तो अभी आप रुक जाएं, क्योंकि हिम्स ने नई मुहिम छेड़ दिया। जिस तरह हिम्स ने बहुत ही खूबसूरती से किडनी पेशेंट का पूरे देश में इलाज किया था, अब एक नई मुहिम छेड़ी है आचार्य मनीष जी ने कि अब हार्ट पेशेंट को बाईपास सर्जरी से या स्टंट डलवाने से रोका जाएगा और उनकी ब्लॉकेज इस काढ़ेदार द्वारा, ये वो अमृत काढ़ा है जिसके द्वारा खोली जाएगी और ये मुहिम सभी हिम्स हॉस्पिटल में बुधवार को चलाई जाएगी। मैं आचार्य मनीष जी का इसके लिए धन्यवाद करना चाहूंगा। आचार्य जी, कौन सा काढ़ा आपने बनाया है, क्योंकि करोड़ों पेशेंट देश में हार्ट ब्लॉकेज के हैं, मेरे हिसाब से किडनी से तो बहुत ज्यादा पेशेंट हैं, तो किस तरह उनकी बाईपास सर्जरी बचाई जाएगी, किस तरह स्टंटिंग से रोका जाएगा और किस तरह आर्टरीज खोली जाएंगी? देखो, पिछले काफी टाइम से हम रोज सुन रहे हैं देश में, अगर मैं बात करूं पिछले 48 घंटों में ही 4 मॉडर्न पैठी के डॉक्टर्स की हार्ट अटैक से, हार्ट फेल से डेथ हो चुकी है। अभी 4 दिन पहले हमने सुना था कि गुजरात के एक डॉक्टर की 41 वर्ष की उम्र में रात को सोए सोए हार्ट अटैक से डेथ हो गई। तो हार्ट के पेशेंट बढ़ते जा रहे थे, हार्ट के पेशेंट रोज हम सुन रहे हैं स्टंट डल रहे हैं या आपको बाईपास सर्जरी बोला जा रहा है या आपको सांस फूलती है। तो हमने अपने सारे हिम्स हॉस्पिटल और सारी क्लिनिक्स में एक शुरुआत करी कि हर बुधवार को, ये वो जड़ी बूटियां हैं जो कि मार्केट में वैसे तो इजीली मिल जाती हैं, ये वो जड़ी बूटियां हैं, हमने हार्ट केयर एक काढ़ा नाम से हर बुधवार को ये काढ़ा अपने हर हॉस्पिटल में निशुल्क डिलीवर करने का, निशुल्क प्रदान करने का एक मुहिम शुरू किया कि हर बुधवार को हमारे हर क्लिनिक हर हॉस्पिटल में ये काढ़ा बनाया भी जाएगा और लोगों को पिलाया भी जाएगा और साथ साथ उनको एजुकेट किया जाएगा, उनको ट्रेंड किया जाएगा, उनको डाइट चार्ट बताया जाएगा कि कैसे आप घर पर ही इस हार्ट नाम की ब्लॉकेज को घर पे ही खोल सकते हो। सर, मैं अभी आपकी एक R&D देख रहा था, आपने मेरठ में लगभग 10 से 12 लोगों को, जिनको स्टंट का कह चुके थे, उनको ये काढ़ा पिला के अपने हॉस्पिटल में रख के बॉडी डिटॉक्स करी और उसके बाद रिजल्ट ये सामने आए कि उनकी हार्ट की ब्लॉकेज खुल गई। सर, वो तो मैंने प्रत्यक्ष देख लिया, क्या अगर देश में इस काढ़े की बदौलत और अगर 10 से 15 दिन में कोई व्यक्ति ये दिनचर्या को सीख ले तो क्या उसकी ब्लॉकेज बिना स्टंटिंग और बाईपास सर्जरी के ठीक हो सकती है? बिल्कुल, बिना स्टंट डाले ब्लॉकेज को खोला जा सकता है और दूसरी बात, बिना बाईपास सर्जरी के भी आपकी हार्ट काम कर सकता है। हमारी बॉडी इतनी शक्तिशाली है कि नई कोलेटरल आर्टरीज बना लेती है, बॉडी में शक्ति है नई आर्टरीज बनाने की, लेकिन उसके लिए सही खानपान, विशेष प्रकार की जड़ी बूटियां और हमारी अच्छी सोच होनी चाहिए। अभी आपके सामने हम हिम्स हॉस्पिटल डेराबस्सी में है, ये पीछे एक बार पूरे पेशेंट्स भी दिखा दो। जैसे इनमें से मैं पूछना चाहूंगा आपके सामने ही, कितने लोग हैं जो रोज ब्लड प्रेशर की गोली खा रहे हैं, कितने लोग हैं जो रोज ब्लड प्रेशर की गोली खा रहे हैं? देखो, आपके सामने 7 या 8 लोगों ने हाथ उठाया। तो मैं आपके सामने एक चीज बताना चाहूंगा, कोई भी डॉक्टर नहीं बताता ये, कोई भी ब्लड प्रेशर की गोली का नाम लो, जैसे ये एम्लोडियापिन गोली है। अब एम्लोडियापिन गोली मान लो कोई खा रहा है, या कोई निफिडिपिन खा रहा है, या हिप्रिस खा रहा है, या कोई और टिनोलोल खा रहा है, टेनोरिक खा रहा है, गूगल पे ही डाल दोगे ना कि इस गोली के साइड इफेक्ट बताओ, तो क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आप बीपी की गोली खाओगे तो आपको कभी भी हाथों और पैरों में स्वेलिंग आ सकती है, आपको कभी भी मुंह में छाले हो सकते हैं, आपको कभी भी सिरदर्द शुरू हो सकता है, आपको सारा दिन सुस्ती रह सकती है, आप आलस के मरीज बन सकते हो, आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन उल्टा सीधा हो सकता है, आपको कभी भी पेट साफ होने की दिक्कत हो जाएगी, कब्जी के मरीज बन जाओगे और पेट में जख्म हो सकता है। ये ब्लड प्रेशर की गोली मैं एक का साइड इफेक्ट बता रहा हूँ, ये दूसरी गोली में लिखा हुआ है आपका पैर सूजेगा, यूरिक एसिड बढ़ेगा, आपके दांत खराब हो जाएंगे, आपकी हार्ट बीट रेगुलर हो जाएगी। मतलब ब्लड प्रेशर की गोली ही हमें हार्ट का मरीज बना रही है, लेकिन आप लोगों को कोई डॉक्टर नहीं बताता। आप गूगल पे अपनी गोली का नाम डालो और लिखो साइड इफेक्ट, ये पूरा पर्चा निकल आएगा, ये मैंने सारी गोलियां का जो मोन में आप खाते हो। जैसे अब मैं और दिखा देता हूं कि बहुत सारे लोग इकोस्प्रिन खाते हैं, आप लोगों को पता होगा ना खून को पतला करने की गोली, आप में से कोई खाता है क्या इकोस्प्रिन की गोली? खैर, हमारे इकोस्प्रिन खाते हैं वो लोग खाते हैं उधर। तो इकोस्प्रिन की गोली खाने के साइड इफेक्ट सुन लो कि आपके स्टोमक में, पेट में अल्सर हो सकता है, पेट में जख्म होके ब्लीडिंग हो सकती है और कैंसर हो सकता है। दूसरा, आपको अगर कभी नोज की ब्लीडिंग हो गई तो रुकेगी नहीं, इसके अलावा पैरों में स्वेलिंग हो सकती है, आपको अस्थमा हो सकता है, आपको पंप लेना पड़ेगा, अस्थमा के अटैक पड़ सकते हैं,
आपको इसके अलावा टिनिटाइटिस हो सकता है, कान खराब हो सकते हैं, आपकी आंखें कमजोर हो जाएंगी, बुढ़ापे में आपको मोतिया, काला मोतिया, सफेद मोतिया हो जाएगा, और बच्चों के अंदर अगर आपने ये ब्लड थिनर दे दिया तो बच्चों का लीवर फेल हो सकता है, ब्रेन फेल हो सकता है। ये सब इस मैं आपके सामने इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि लोग सोचते हैं बीपी की गोली खा के हम ठीक हो रहे हैं। ये जो आपने काढ़ा बनाया है, हम स्टंटिंग करवा लेते हैं, स्टंटिंग के बाद एक गोली चलती है कोलेस्ट्रॉल की, एक गोली चलती है बीपी की, और एक गोली चलती है खून को पतला करने की। ये कोलेस्ट्रॉल की गोली का है, ये कोलेस्ट्रॉल की गोली है, अटोरवास्टेटिन। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ये गोली चलती है अटोरवास्टेटिन। आप खुद पढ़ो सर, ये क्या लिखा हुआ है, हेडेक, ये क्या लिखा हुआ है, नोज ब्लीड्स, ये क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिपेशन, ये डायरिया, ये सीरियस साइड इफेक्ट, और ये क्या लिखा हुआ है, लीवर फेल कर सकती है। तो हो क्या रहा है, भारत में एक बीमारी की दवाई खाते हैं और दूसरी बीमारी की चपेट में फंस जाते हैं। इसीलिए सर, इस काढ़े को बनाने का मकसद क्या रहा और कैसे आपके दिमाग में आया कि ये काढ़ा बनाना है और इसमें किस तरह से इस काढ़े को बनाया जाए? कम से कम दो घंटे, कम से कम दो घंटे इन जड़ी बूटियों को वालना पड़ता है, जैसे दालचीनी, पीपल की छाल, पुष्कर मूल, पुनर्नवा, तुलसी, बादिया खताई, जिसको आप ये कई बार आप किचन में भी यूज करते हो ना स्टार के लिए, जो हम खुशबू के लिए यूज करते हैं, छोटी इलायची और अर्जुन की छाल, ये सारी जड़ी बूटियों का एक काढ़ा बनता है। और ये काढ़ा बनने में कम से कम दो घंटे लेता है। सर, इसको इसी में पीने से फायदा मिलेगा? मिट्टी के बर्तन में ही बनाना है और मिट्टी के बर्तन में ही पीना है। ये सर तांबे का बर्तन में, और इसको तांबे के बर्तन में ही हम शिफ्ट करते हैं और इसके बाद ही पीना है। इसको कांच के गिलास में या हम गत्ते के गिलास में नहीं पिलाएंगे। हाँ, कांच में पी सकते हैं, लेकिन हम गत्ते या प्लास्टिक के गिलास में पीने से मना करते हैं। अगर कोई व्यक्ति लगभग 3 से 4 हफ्ते ये काढ़ा हर हफ्ते पी ले तो उसको भयंकर फायदा होगा। बहुत अच्छा, उसकी सांस फूलने में कमी आ जाएगी, चुस्ती फुर्ती बढ़ जाएगी, सीढ़ी चढ़ पाएगा आसानी से वो, और उसको हार्ट की ब्लॉकेज में भी बेनिफिट मिलेगा। सर, एक चीज बता दीजिए, ये आपने काढ़ा तो बना दिया और आपने बता दिया निःशुल्क इसको पिलाएंगे भी, जिसको स्टंट के लिए कह चुके हैं, जिसको बाईपास सर्जरी के लिए कह चुके हैं, या जिसको ये पता है कि मुझे हार्ट की दिक्कत आ चुकी है, मैंने एक बार स्टंट डलवाए हुए हैं, रिपीट स्टंट डालने पड़ते हैं, तो क्या उनको 10 से 12 दिन लगेंगे एक बार लाइफस्टाइल सीखने में? बिल्कुल बता रहा हूँ मैं आपको, जब भी कोई हमारे हॉस्पिटल में या क्लिनिक में बुधवार को काढ़ा पीने आएगा, वहां पे उसको ट्रेनिंग मिलेगी, डाइट चार्ट मिलेगा, एजुकेशन दी जाएगी, उसको गाइड किया जाएगा, और उस दिन अगर वो डॉक्टर से मिलना चाहेगा तो मिलने की, चेकअप की उस दिन कोई फीस नहीं होगी। उस दिन कोई बुधवार के बुधवार हमने ये मुहिम शुरू करी, क्योंकि मार्केट में रोज सुन रहे हैं पेशेंट की छाती में दर्द हुआ, डॉक्टर ने स्टंट डाल दिया, पेशेंट की छाती में दर्द हुआ, उसको चल के सर्जरी कर दी, तो पूरे दुनिया का बेवकूफ बनाया जा रहा था और फिर लोगों की मौतें भी हो रही हैं। तो हम लोगों ने मुहिम शुरू करी कि लोगों को एजुकेट करें, ट्रेन करें, और काढ़ा भी अपनी तरफ से फ्री पिलाएं और उस दिन कंसल्टेशन भी फ्री रहेगी। सर, आप बता रहे थे, जैसे कि मैंने भी कुछ पेशेंट देखे थे हिम्स मेरठ में भी और हम मुंबई भी देख के आए हैं, कि ये काढ़ा आपने कुछ लोगों को दिया है जिनकी ब्लॉकेज थी और उनको ये फायदे हुए हैं जिनकी ब्लॉकेज 90% थी और 50% पे आई है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे लोग ठीक भी हो गए हैं और कई लोगों के अब सबसे पहली बात है सिम्टम ठीक होंगे, जैसे सांस फूलना ठीक होगा, चुस्ती फुर्ती बढ़ जाएगी, आपको पहले जैसे थक जाते थे आप या थोड़ा सा चलने से छाती में दर्द होता था, वो सब धीरे धीरे बंद हो रहा है। एक आप और देख लीजिए, हम शुगर की गोली खा रहे हैं, कोई आप में से शुगर की गोली? बहुत सारे लोग शुगर की गोली, 1, 2, 3, 4, तो शुगर की गोली का नाम है ग्लिमिप्राइड, एक गोली है ग्लिमिप्राइड। आप बताओ सर, खुद ही ग्लिमिप्राइड के साइड इफेक्ट बताओ। ये लिखा है सर, हाइपोग्लाइसेमिया, वेट गेन, डिजीनेस, शेकिनेस, स्वीटिंग, कंफ्यूजन, मतलब बंदे का दिमाग खराब हो जाता है, बंदा हर टाइम बोंदला रहता है। शुगर की गोली का साइड इफेक्ट है ग्लिमिप्राइड का। फिर है वेट गेन हो सकता है, वेट लूज हो सकता है, इसके अलावा पेट में जख्म, डायरिया, इसके अलावा सांस लेने में दिक्कत, स्किन में रिएक्शन, और ब्लड सेल्स, आपके प्लेटलेट घट जाएंगे और ब्लड सेल्स इन्फेक्टेड हो जाएंगे। फिर नई तरह की दवाई दी जाएगी। अब दूसरी गोली मेटफॉर्मिन, तो लगभग सर्व घरों मेटफॉर्मिन नाम सबको पता है ना, एक मेटफॉर्मिन गोली होती है, मेटफॉर्मिन के साइड इफेक्ट देख लो। मेटफॉर्मिन के, आपकी भूख डिस्टर्ब हो जाएगी, आपको वोमिटिंग रहेगी, आपका पेट खराब रहेगा, इसके अलावा आपको B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, वीकनेस रहेगी, नर्व प्रॉब्लम रहेगी, आपको कभी भी नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हो सकता है, मसल पेन हो सकती है, लीवर खराब हो सकता है, और आपका बॉडी के अंदर एसिडोसिस, आपकी बॉडी में पानी भी भर सकता है और एसिडिक लेवल भी पूरा
बिगड़ सकता है, ये शुगर की गोली का साइड इफेक्ट। दोस्तों ये आपने देख लिया, जिसको अमृत काढ़े का नाम दिया गया है, और ये अमृत काढ़ा आपको हर बुधवार देश में, अगर आप किसी भी हिम्स हॉस्पिटल की बात करूं, नवी मुंबई की बात करूं, लखनऊ की बात करूं, अमृतसर की बात करूं, चंडीगढ़ की बात करूं, आप तो हिम्स आपके आसपास सभी जगह खुल चुका है। अगर आप भी चाहते हैं कि बड़ी लूट घुसोट से अगर आप बचना चाहते हैं तो आप हिम्स में आकर ये अमृत काढ़ा पी सकते हैं और अपने हार्ट को स्वस्थ कर सकते हैं। आप ये देख रहे होंगे कि मिट्टी के बर्तन में ही ये काढ़ा बनाया जा रहा है, और जो आपको भी परोसा जाएगा वो मिट्टी के बर्तन में ही दिया जाएगा। इसलिए दिए गए नंबरों पे आप संपर्क करें और हमसे जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत।